रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हर कोई इस फेमस ब्रांड को खरीदना चाहता है, लेकिन इसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। बल्कि इस ब्रांड की कार का एक ऐसा मॉडल भी है जिसको खरीदने के लिए आपको रॉयल फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये सच है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और क्या आपको रोल्स रॉयस गाड़ी के स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की सच्चाई और उसके छुपे हुए फीचर्स के बारे में पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोपियन यूनियन ने रोल्स रॉयस के एक फेमस पार्ट को बैन क्यों किया? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10, कार्स ओनली फॉर रॉयल फैमिली, फैंटम 4। रोल्स रॉयस का नाम दुनिया की टॉप लग्जरी कार्स में शामिल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस लग्जरी ब्रांड को हर कोई नहीं खरीद सकता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। दोस्तों, रोल्स रॉयस की फैंटम 4 कार को सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही खरीद सकती हैं। रोल्स रॉयस ने अपनी फैंटम 4 कार को देशों के प्राइम मिनिस्टर और रॉयल फैमिलीज के लिए बनाया था। इस मॉडल की सबसे पहली कार प्रिंसेस एलिजाबेथ ने खरीदी थी, जो बाद में क्वीन भी बन गई थी। बल्कि क्वीन बनने के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने डायमा कंपनी के साथ अपनी डील्स को कैंसिल करके रोल्स रॉयस के साथ लाइफ टाइम डील कर ली थी, जिसके बाद रोल्स रॉयस की कार्स यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल व्हीकल बन गई थी। इस फैंटम 4 मॉडल की सिर्फ 18 कार्स बनाई गई थी, जिसमें से आज सिर्फ 16 ही एग्जिस्ट करती हैं। ये स्पेशल कार्स आज भी कुछ स्पेशल रॉयल ओकेजंस जैसे मैरिज, फंक्शंस वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 9, लोगो एट द सेंटर ऑफ द व्हील डज नॉट स्पिन। रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम, उसकी क्वालिटी, कलर, उसका लोगो और फीचर सभी की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक इसी तरह से रोल्स रॉयस के टायर्स भी बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब ये टायर्स घूम रहे होते हैं तब इनके बीच में लगा हुआ ये लोगो हमेशा सीधा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी टायर्स की रिम स्पेशल जायरोस्कोपिक मैकेनिज्म से बनाती है, जिसकी मदद से टायर्स तो रोटेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में लगा लोगो बिल्कुल भी नहीं घूमता। ये तो मानना पड़ेगा कि रोल्स रॉयस अपने ब्रांड का नाम और उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। नंबर 8, स्पेशल कस्टमाइज्ड सीट्स। अधिकतर लोग सब कार्स के इंटीरियर में सबसे पहले सीट्स देखते हैं। नॉर्मल कार्स में आपको जनरली 3 से 4 कलर्स की सीट मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयस कार की सीट को आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड कलर से बनवा सकते हैं। और क्या आपको पता है, रोल्स रॉयस की सीट इतनी कंफर्टेबल और अच्छी क्वालिटी की क्यों होती है? असल में दोस्तों, रोल्स रॉयस कार की सीट बनाने के लिए बुल्स की लेदर इस्तेमाल करी जाती है, जिसके लिए ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत हाई क्वालिटी वाले बुल्स की लेदर को ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से स्पेशली यूरोप के हाई माउंटेन्स में रहने वाले बुल्स की लेदर ही चूज करी जाती है। क्या आप जानते हैं, सीट्स बनाने के लिए बुल की हर लेदर को एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर पर पहले चेक किया जाता है, और जो लेदर इस टेस्ट को पास कर लेती है सिर्फ उसी को रोल्स रॉयस कार की सीट बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तो और, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक रोल्स रॉयस कार के इंटीरियर को बनाने में 8 बुल्स की लेदर लगती है। नंबर 7, स्पेशल फीचर्स। दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी में बहुत से अमेजिंग फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको आज तक नहीं पता था, लेकिन अब से आपको इनके बारे में जरूर पता होगा। क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर लगी घड़ी को आप हाथ में पहन भी सकते हैं। रोल्स रॉयस में लगने वाली घड़ी बोवे नाम की मशहूर कंपनी बनाती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक पावर रिजर्व इंडिकेटर लगा हुआ होता है, जो पूरी कार की पावर को कैलकुलेट करके बची हुई और कंज्यूम पावर की डिटेल्स बताता है। रोल्स रॉयस में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में GPS ऑडिट ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है, जिससे गाड़ी के सिस्टम को पहले ही पता लग जाता है कि रोड पर कब और कौन सा टर्न आने वाला है, और उसी के हिसाब से ये कार ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर देती है, जिस वजह से कार में बैठे हुए लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। और तो और, ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट के पास अम्ब्रेला चैम्बर लगे हुए होते हैं, जो बटन दबाने पर बाहर आ जाते हैं। इन चैम्बर्स में फैन और हीटर्स लगे हुए होते हैं, जो गीले अम्ब्रेला को सुखा देते हैं। रोल्स रॉयस के डोर भी बाकी कार से बहुत अलग होते हैं। इन डोर्स को केवल बटन दबाकर ही बंद किया जा सकता है। नंबर 6, 44,000 कलर ऑप्शंस। रोल्स रॉयस सिर्फ अपने ब्रांड के नाम और उसकी क्वालिटी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि रोल्स रॉयस अपने कलर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयस आपको अपनी पसंद के कलर की कार चुनने का ऑप्शन देती है। अब दोस्तों, बात कुछ इस तरह की है कि जब कोई इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि उसके जैसा डिजाइन और कलर किसी के पास ना हो। तो लोगों की इस साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए रोल्स रॉयस कंपनी कस्टमर्स को 44,000 कलर्स का ऑप्शन देती है। इसके अलावा कंपनी आपको अपनी पसंद का कलर चुनने का ऑप्शन भी देती है, और आप चाहें तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी अपनी कार पर अप्लाई करवा सकते हैं। कलर करने के बाद कार्स को घंटों तक पॉलिश किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा शाइन कर सके। आप ये मान लीजिए कि रोल्स रॉयस आपकी इमेजिनेशन को असलियत में बदल देती है। नंबर 5, साउंड प्रूफ कैबिन्स। अब बात करते हैं रोल्स रॉयस कार्स के कैबिन्स की, जो अपने आप में बहुत खास होते हैं। ये कैबिन्स बहुत खास टेक्निक से बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर बाहर की कोई भी आवाज ना आ पाए।
आप रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कितनी भी स्पीड पर क्यों ना चलाएं, लेकिन इन साउंड प्रूफ कैबिन्स के अंदर किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। इन कैबिन्स को साउंड प्रूफ बनाने के लिए 130 किलोग्राम साउंड प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये कैबिन्स इतने शांत होते हैं कि आप इनके अंदर बैठकर गाड़ी के चलने की आवाज तक नहीं सुन सकते हैं। नंबर 4, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू। रोल्स रॉयस की बात कर रहे हैं और उसके स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू को रोल्स रॉयस की जान कहना गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको इस स्टैचू की हिस्ट्री और सच्चाई पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। रोल्स रॉयस ने इस एक्सटेसी स्टैचू को पहली बार 1911 में लॉन्च किया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्टैचू एक लव अफेयर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। एक कार मैगजीन के एडिटर बैरन जॉन एडवर्ड और उनकी सेक्रेटरी एलेनॉर थॉर्नटन के अफेयर से इंस्पायर होकर इस एक्सटेसी स्टैचू को बनाया गया था। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, 1998 में BMW कंपनी ने रोल्स रॉयस कार को खरीद लिया था, जिसके बाद BMW कंपनी ने फॉक्सवैगन कंपनी से इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को $40 मिलियन में खरीदा था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रोल्स रॉयस को ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू मिला था। ये एक्सटेसी स्टैचू सिर्फ तभी बाहर आता है जब गाड़ी का इंजन ऑन होता है। इस स्टैचू की कीमत लाखों में होती है, इसीलिए अक्सर इसे चुराने की भी कोशिश की जाती है। खैर, जब भी कोई इसे हाथ लगाता है तो ये अपने आप वापस अंदर चला जाता है। नंबर 3, हैंडमेड कार। रोल्स रॉयस की कार्स में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो उसे बाकी के ब्रांड से अलग बनाती है, लेकिन क्या आप इस कंपनी की सबसे खास बात जानते हैं? दोस्तों, रोल्स रॉयस की पूरी कार हैंडमेड होती है। इस कंपनी की कार्स को मैन्युफैक्चर करने में किसी भी रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रोबोट्स और मशीन का इस्तेमाल करती है, ताकि वो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन रोल्स रॉयस का ऐसा मानना नहीं है। रोल्स रॉयस कंपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है, और यही वजह है कि रोल्स रॉयस की कार्स में हर काम, जैसे सीट्स, एम्ब्रॉयडरी, पेंट, वुडन वर्क या फिर इंजन ही क्यों ना हो, सभी चीजों को हाथ से लगाया और बनाया जाता है। इन सभी कामों को एक परफेक्शन के साथ किया जाता है, क्योंकि रोल्स रॉयस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए रोल्स रॉयस कार्स पर कोच लाइंस को स्पेशली मार्क कोट अपने हाथों से बनाते हैं। मार्क कोट रोल्स रॉयस के इकलौते डिजाइनर हैं, जो सभी गाड़ियों पर डिजाइंस और कोच लाइंस बनाते हैं। यही वजह है कि एक रोल्स रॉयस कार को बनाने में लगभग 2 महीनों का वक्त लग जाता है। नंबर 2, 21-inch विंटर व्हील्स स्पेशल टायर्स। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को खरीदते वक्त उसके टायर्स पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयस कार के टायर्स नॉर्मल कार्स से बिल्कुल अलग होते हैं। रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कार्स के टायर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। इसके टायर्स को 21-inch विंटर व्हील्स कहा जाता है। दरअसल नॉर्मल कार्स के टायर्स बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर और बर्फ पर चल नहीं पाते हैं, जबकि ये 21-inch विंटर व्हील्स बर्फ की मोटी लेयर्स पर और 7 डिग्री टेम्परेचर पर भी आराम से चल जाते हैं। इसके अलावा गीले रोड पर भी ये टायर्स बिना स्लिप करे चलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, बैन ऑन स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। क्या आप सोच सकते हैं कि रोल्स रॉयस जैसी कार की कोई चीज बैन भी हो सकती है? लेकिन ये सच है। दोस्तों, जिस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उसी बेहद खूबसूरत और मशहूर पार्ट को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया था। दरअसल इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी के लॉन्च के बाद से रोल्स रॉयस ने इसके अंदर एक भी बार कोई बदलाव नहीं किया था, इसीलिए 2016 में रोल्स रॉयस कंपनी ने इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को लॉन्च किया। ये एक्सटेसी स्टैचू रात के वक्त चमकता है। यूरोप की गवर्नमेंट का कहना था कि इस इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी से लाइट पोल्यूशन होता है, जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए 2016 के बाद से अब तक ये इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी यूरोप में बैंड है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।